आ गई इलेक्ट्रिक कार ऐसी, इसमें बैठ के आगे लेके जाएंगे। काश बारिश ना होती। इतना घना जंगल है सब जगह पे, यहाँ पे आप चलिए मेन दिन में पूरा जंगल की जंगल है, यहाँ पे सब झाड़िया और सब जगह पर आप देख। चलो पहुंच गए मेन गेट पे अंदर जाने के लिए। कितना आलीशान ये गेट है देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने एक प्लेस्टेशन 4 पे गेम खेली थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें सब ऐसे ही सब दिखाया हुआ था। यहाँ पे ये जगह देख के मुझे उसकी याद आ गई। और इस गेट के अंदर की तरफ यहाँ पे एक बड़ी सी लॉबी है और इस तरफ एक बहुत लंबी सी लॉबी है, दोनों तरफ है। और यहाँ पे ये बड़े बड़े स्टैचू, शायद इनके देवता है क्योंकि आगे काफ़ी सारा अगरबत्तियाँ और खाना वगैरह कुछ रखा हुआ है। इनके कल्चर में जो होता है वो सब उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, शायद दोनों उनके भगवान की मूर्तियाँ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। पुराने समय के कोई राजा होंगे या उनके कोई देवता होंगे। वहाँ से चल के इस तरफ आए हैं और ऐसे ही जैसे धूप में भी आएंगे, कोई धूप की कोई चिंता नहीं है क्योंकि पूरी छांव है। इस तरह से पूरा आगे ऐसे ही है और सब जगह पे बुद्धा के स्टैचूज है, शायद बुद्धा ही होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मूर्तियाँ देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि बुद्धा की मूर्तियाँ हैं। ये जगह कोई छोटी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह है, ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और चल के इतना घूमना शायद एक दो घंटे लग सकते हैं। ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं लग रहे आज बारिश की वजह से, कम ही है। स्टैचूज के भूतने देखे कैसे काले काले पड़ गए, शायद लोगों ने हाथ रख रख के ऐसे फोटो निकाले होगी, ऐसा अंदाज़ा है, पता नहीं है या भी नहीं, वैसा ही किया होगा इसलिए वैसे घुटनों के पास काले काले धब्बे पड़ गए, हाथों के पास और घुटनों के पास, यहाँ पे खड़े रह के सॉरी यहाँ पे ऐसे रुक के वगैरह ऐसा कुछ किया होगा। सभी मूर्तियों के पे ऐसे ही है और इस जगह पे पूरा ये जंगल, जंगल के जैसा माहौल है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं प्लेस्टेशन 4 पे गेम खेल रहा था, तो उसमें भी ऐसे ही सीनरीज थी पूरी, ऐसे ही पगोड़ास थे, राजाओं के महल थे,
तो वो गेम मैंने हाल ही में खेली है और देखने के बाद वही फील हो रहा है। और उस गेम का नाम याद आ गया मुझे, घोस्ट ऑफ सुशीमा। ये प्लेस्टेशन 4 में गेम है, बिल्कुल ऐसे ही सब सीनरीज है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी ऐसे पूरा चल के जाना है शायद आगे। चलो छाता ओपन कर दिया है क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सामने ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है, शायद चाइना वालों का और इनका सेम ही स्ट्रक्चर है, कासल और ये पकौड़ाज वगैरह। यहाँ पे फोटोज वगैरह निकालना था मगर बारिश में कैसे निकालेंगे अभी। इस जगह से ऊपर से देखने का नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ से देखिए ये पूरा नज़ारा दिखेगा, कैमरे में कितना दिख रहा है पता नहीं। यहाँ से जहाँ से एक पूरी गैलरी थी जाने के लिए रास्ता था, वहाँ से आगे जाके राइट सीधा ही दो गेट लांग के जाना पड़ेगा। और ये कितनी बड़ी वेल है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल हो सकती है। क्योंकि उसके बजाने के लिए कुछ तो है। हाँ यो शायद इसको बजाना है क्या? अरे लॉक रखा हुआ है, नहीं तो मैं थोड़ा सा उसको बजा के देखता था। जिस चीज़ से बेल बनती है उसी चीज से उसे बनाया होगा, उसी धातु से। चल के आके पूरे शूज भीग गए। आप कुछ इसके बारे में सोच के फायदा नहीं। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा मैदान है और सामने ये एक हॉल है बहुत बड़ा सा। अगर आपको कुछ ये देख के जगह कुछ मालूम पड़ रहा हो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कुंग फू की चाइनीज़ मूवी, और उसके सामने ऐसे मैदान में सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हुए, बिल्कुल वैसे लग रहा है। चल के आ गए इस तरफ, अभी ये बड़ा सा हॉल है कुछ तो, और ये अंदर इसके एंट्री गजब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, कितना खूबसूरत स्टैचू है ये गौतम बुद्ध। इतना खूबसूरत लग रहा है, ये सब मैं अभी कैमरे बयां नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर है ये जगह, और यहाँ पे इतने बड़े से हॉल में ये सब स्टैचू लगाए हुए हैं इस तरीके से। ये बहुत ही बड़ी बुद्धा की मूर्ति है लेकिन कैमरे में इतनी बड़ी दिखेंगे नहीं, यहाँ पे आके मालूम पड़ रहा है कि कितनी बड़ी मूर्ति है ये। और यहाँ से फिर अभी बाव थाप जो बड़ा टावर है वहाँ पे जाने के लिए इस रास्ते से जाना होगा।
चलते चलते ऊपर आ गए और यहाँ पे देखा तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ये पीछे की तरफ, और उसके बिल्कुल सामने ही ये सभी देशों के फ्लैग्स है, और यहाँ हमारा भारत का तिरंगा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। उसके पीछे बिल्कुल बहुत था, हमारा भारत का तिरंगा, इंग्लैंड का जो फ्लैग है उसके बिल्कुल बाजू में ही हमारा तिरंगा। नीचे से ऊपर तक सभी स्टेप चढ़ के आए और पूरा थका दिया, और बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। और ये जो है बायोथाप, ये अपने जो राजस्थान में जो है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ऐसे ही मीनार है देखो पूरी है। और आगे जो उस तरफ है ऐसे ही पगोड़ा जैसे कुछ होगा, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गया। वहाँ से तो हम लोग आए हैं, जो बुद्धा का बड़ा सा वहाँ पे टेंपल था वहाँ से चलकर नीचे आए हैं, और नीचे से फिर यहाँ कन्वेंशन सेंटर से यहाँ से चलकर फिर यहाँ पे आए हैं। अंदर जाने के लिए टिकट चेक की और वहाँ पे उस पर स्टैंप लगाया और आगे यहाँ पे अंदर आ गए हम लोग। शायद जूतों पे कुछ ऐसे कुछ लगाना होगा। जिससे कि आपके गीले जूते हो या कीचड़ में भरे हो तो यहाँ का फ्लोर गंदा ना हो जाए और आपका पैर भी फिसले ना। ये जूते पे सॉक्स जैसे कुछ लगा लिए, इससे मेरे पैर फिसलेंगे नहीं, और अगर जूते गंदे हो तो यहाँ का फ्लोर भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से वैसे ही सीढ़ी है या लिफ्ट, आगे जाके देखता हूँ। दिस वे एलिवेटर, सेकंड फ्लोर। ओके ओके, सेकंड फ्लोर पे एलिवेटर है, एलिवेटर से ऊपर जाने की सुविधा है, ये अच्छा हो गया, वरना इतना ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता था। आ गए हम लोग सेकंड फ्लोर पे, थक गए, कंटिन्यू सीढ़ियाँ चढ़ी। यहाँ से जाने के लिए रास्ता है और यहाँ से एलिवेटर है ऊपर जाने के लिए। बारहवीं मंजिल पे ऊपर, सबसे ऊपर शायद बारहवीं मंजिल है। भाई साहब क्या नजारे है, बहुत ही गजब के नजारे है। 12वीं मंजिल पे हम लोग आए हैं और 12वीं मंजिल से ये सब दिख रहा है। अभी गोप्रो में पता नहीं कितना ठीक से दिखाई देगा, लेकिन अपनी आंखों से देखेंगे यहाँ पे आके तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिख रहा है कि ये कितनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, शायद पूरा दिन लग जाएगा ये पूरा देखने के लिए।
और इस तरफ है ये स्टैचू। बहुत ही बड़ा स्टैचू है, हम लोग ट्राई करेंगे देखने का मगर शायद नहीं देखेंगे क्योंकि ऊपर से लग रहा है नज़दीक है ये, लेकिन नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। बहुत यानी चल के तो बहुत दूर है। और 12वीं फ्लोर के ऊपर आने के बाद सीढ़ियाँ है ऊपर आने के लिए तकरीबन एक मंजिला के। यहाँ पे आने के बाद ये खूबसूरत सा एक गुंबद टाइप में है, एक गुंबद ही खूबसूरत सा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर की तरफ जाके देखता हूँ कैसा नज़ारा दिख रहा है। Excuse me, outside this one, no allowed, no allowed। बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ इस गुंबद तक ही आ सकते हैं ऊपर की तरफ, इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर जाना है तो यहाँ से वे डाउन, अभी नीचे जाना है, यहाँ से नीचे एलिवेटर की तरफ, एलिवेटर से फिर नीचे और फिर मुझे शायद जाना होगा नीचे। और आ गए हम लोग नीचे और इस टावर के बाहर भी आ गए। अब नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार की तरफ, फिर अपने कार पार्किंग में और कार पार्किंग से फिर आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जगह तो मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे चल चल के अभी नीचे आया हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार से यहाँ से जाना होगा और नीचे आने के बाद ये एक बड़ा सा हॉल है, आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ अभी शॉपिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मन नहीं यहाँ पे शॉपिंग करने का। अभी दोपहर के तकरीबन 2:30 बज गए और भूख भी ज़ोरों की लगी है, अभी कुछ खाने का इंतज़ाम करना होगा। जो टैक्सी हमने बुक की थी तो उस ड्राइवर ने अच्छी जगह पर खाने के लिए अभी गाड़ी रोकी है और यहाँ पे कुछ अभी दोपहर का थोड़ा बहुत खा लेते क्योंकि अभी वक्त भी बहुत हो गया, तकरीबन 3:05। और यहाँ पे कितना खूबसूरत है, तो मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। जो हम कैडबा में देख रहे थे बिल्कुल वैसे ही पहाड़ है, कैडबा में समंदर था और यहाँ पे ज़मीन पे, बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन खूबसूरत तो वैसे ही है। चलो होटल के अंदर पहले चलते हैं और जल्दी से खाना ऑर्डर कर देता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। चलो खाना तो खा लिया अभी यहाँ पे और अभी निकलते हैं। वो जो एक एंशियंट एक विलेज है जो पहले यहाँ की राजधानी हुआ करती थी पुराने समय में, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं।